कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने रोज प्लांट की अपडेट देंगे आपके साथ। रोज प्लांट की कुछ बातें शेयर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 10 से 15 दिन पहले इसमें कुछ ट्रीटमेंट किया था, आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमारे जो रोज के प्लांट हैं ये ग्राफ्टेड वाले हैं। हमने हाँ, गर्मी में ये काफ़ी बिल्कुल इसके पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं, पूरा झड़ा चुका था। लग रहा था ये प्लांट्स नहीं बचेगा। इसमें हमने थोड़ी सी ट्रीटमेंट दी है। हमने इसके प्लांट की थोड़ा सा गुड़ाई करके इसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया था, मिट्टी में फंजीसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे भी किया था, और आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत यहाँ से एकदम पूरा न्यू शूट्स निकाल रहा है। न्यू यहाँ से अब कलियाँ देगा। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ हमारे सभी के सभी रोज प्लांट कितने खूबसूरत से यहाँ से देखिए ये न्यू शूट निकाल रहा है। ये देखिए यहाँ से न्यू बड्स आ रही हैं। ये देखिए हमारा देसी वाला, इसमें भी कितनी प्यारी सी कली आई हुई है। इसमें काफ़ी सारे से छोटे छोटे से अभी बड्स आए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी धूप लगने से ये हल्का सा मुरझा गया है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे से बर्ड्स आए हुए हैं। ये हमारा देसी वाला है और हमारे पास ग्राफ्टेड है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आपके साथ कटिंग भी लगा के दिखाया था, और ये देखिए हमारी कटिंग लग भी चुकी हैं। ये जगह जगह से ये देखिए अपने न्यू शूट्स निकाल रहा है। ये हमारी वही कटिंग है फ्रेंड्स, जिसका वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमने इसकी कटिंग कैसे लगाई हुई है। और एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने इनकी केयर कैसे की है, कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है, और कैसे हमने इनकी प्रोपेगेशन की है, इनको बचाया है। ये हमारे फ्रेंड्स, ये वाले रोज के प्लांट काफ़ी एकदम ब्लैक डेड इसमें लग चुका था। हमने यहाँ से इसे कट किया था, आप देख सकते हैं ये यहाँ से सूख चुका है। यहाँ से हमने इसे कट किया था, इसकी प्रॉपर हमने प्रूनिंग की थी, इसमें खाद दिया था, और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये देखिए हमारा ये गाजरी कलर का है, और ये कितनी प्यारी सी बर्ड्स आई हुई है। आप हमारे पूरे के पूरे रोज प्लांट को देख सकते हैं, सब में रिजल्ट बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला है। हमने इसमें थोड़ा सा DAP और यूरिया और इसकी गुड़ाई करके, और थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट दिया था, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमने ऐड किया था, इसके पत्तों में हमने स्प्रे किया था, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ब्लूम्स आ रहे हैं इनमें, कितनी प्यारी प्यारी सी बर्ड्स आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने रोज प्लांट की रेनी सीजन में केयर करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, और आप अपने रोज प्लांट से रेनी सीजन में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। हमने इन्हें फुल सनलाइट पे रखा हुआ है फ्रेंड्स, हमने इसे कोई शेड में नहीं रखा है। जब से बरसात स्टार्ट हुई है, रेनी सीजन लगा हुआ है, जब से हमने इसे फुल सनलाइट पे रख दिया है। और देख लीजिए हमारे फ्रेंड, हमारे रोज के प्लांट में कोई सा भी रोग, कोई सा भी येलो डेड लीव्स नहीं है, पूरे के पूरे हमारे प्लांट्स हेल्दी हैं। तो अगर आप भी अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में जाकर उसे देखें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।